हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर वन एंड ओनली बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर डॉक्टर निखिल तारी। ऑलराइट गाइस, बहुत अच्छा टॉपिक है। आजकल आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे काफ़ी सारे कोचेस दिखेंगे जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करके देंगे ऐसा दावा करते हैं। फिटनेस कोच है, स्ट्रेंथ कोच है, बट गाइस मालूम नहीं उनको देख के एक मीन्स एक काफ़ी इट्स अ बैड सिनारियो। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, लोग खुद का ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कीटो डाइट करके वेट लॉस कर लिया, तो उनको लगता है कि भाई हमको अभी सब पता चल गया, अभी हम जो है दूसरों की मदद करेंगे और उसमें से जो है पैसा कमाएंगे और उनको भी जो है फिट बनाएंगे या जो भी है। या कुछ कुछ जिन्होंने एक बार स्टेज पे जाके आ गए तो उनको लगता है भाई बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के बारे में अभी सब पता चल गया, अभी हम अपनी टीम तैयार करेंगे और स्टेज पर लेके जाएंगे और उनको भी जिताएंगे। सी गाइस, इट इज़ नॉट सो ईजी। अपना फील्ड इतना छोटा नहीं है बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस का, इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड। सी गाइस, इसमें मोर देन 22 इयर्स है बट अभी भी मैं सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग समथिंग और द अदर एवरी अदर डे, कुछ नया मुझे सीखने मिलता है हर दिन। इट मे बी रिलेटेड टू एक्सरसाइज, इट मे बी रिलेटेड टू फ्लेक्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस, डाइट, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्स, ड्रग्स, एनीथिंग। इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड। मतलब मैंने जितना 22 साल में किया है, मेरे क्लाइंट्स लोग को ट्रांसफॉर्म किया है, जो भी किया है, उसके बावजूद भी मेरे को ऐसा लगता है कि अभी भी मेरा नॉलेज जो है काफ़ी इनसफिशिएंट है। ये सिर्फ समुंदर में एक बूंद है ऐसा बोल सकते हैं। सो गाइस, मैं किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहता हूँ या मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक डाइट प्लान और एक ट्रेनिंग रूटीन फॉलो करके आपको आपके गोल्स अचीव हुए, तो क्या करते हैं आप वही टोपी जो है दूसरे के सर पे और वही टोपी तीसरे के सर पे आप पहना देते हैं, और ये मैंने देखा है। ओके, बट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ओपन रहे। ओके, एक बैरियर मत क्रिएट कीजिएगा अपने सराउंडिंग में कि यही एक रास्ता है फिटनेस पाने का। काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। सो द पॉइंट इज़ आई वॉन्ट यू टू लर्न मोर। आप सीखो, अपडेटेड रहिएगा। इंटरनेट पे काफ़ी सारा डेटा मिलेगा, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स अच्छे अच्छे वीडियो बना रहे हैं, उससे आप सीखेगा। एंड धीरे 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 जो है आपको धीरे धीरे जैसा कॉन्फिडेंस आएगा तब मे बी आप खुद को कोच बोल सकते हैं। सो गाइस, घाई मत कीजिएगा कोच बनने के चक्कर में, बस आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया और आप कोच बन गए। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है, बिकॉज आप किसी को ज़्यादा दिन तक उल्लू नहीं बना सकते। ओके, आपको रिजल्ट देना पड़ेगा, हर एक दिन काउंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 4 महीने में बॉडी चेंज करना है, लगभग आपके पास 100 दिन है हाथ में, 100 दिन में यानी हर एक दिन आपका इम्पोर्टेंट है। सो इट्स अ टास्क, ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपने क्लाइंट से पैसा लिया है तो उसको रिजल्ट देना आपका फ़र्ज बनता है। सो गाइस, हर एक आदमी अलग है, हर एक उम्र वगैरह काफ़ी सारे फैक्टर्स है, जेनेटिक, स्ट्रेस लेवल, काम क्या करता है, कितना सोता है, नहीं सोता है, क्या खाता है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, काफ़ी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो है अपने को प्रोग्राम बनाना पड़ता है। बिकॉज अगर आज भी मैं अगर किसी का प्रोग्राम बनाने को बैठता हूँ, कोई नया व्यक्ति आया है मेरे पास, क्लाइंट आया है, सो क्या होता है डे वन से मैं उसको समझ नहीं जाता हूँ। मुझे लगभग 15 दिन लगते हैं उसको क्या सूट होता है समझने में, और उसको 15 दिन लगते हैं मुझे समझने में कि मैं क्या चाहता हूँ, किस तरह का ट्रेनिंग चाहता हूँ, क्या इंटेंसिटी चाहता हूँ, कैसा डाइट चाहता हूँ। सो इट टेक्स टाइम, मीन्स 15-20 दिन तो आपके सिर्फ जो है एक ट्यूनिंग बनने में जाती है एक क्लाइंट के साथ में। सो गाइस, इतना फटाफट आप क्लेम मत कीजिएगा कि आप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कोच बन गए हैं। थोड़े साल फील्ड में रहिएगा, फील्ड का इन एंड आउट समझिएगा, नॉलेज गैदर कीजिएगा, एंड फिर एक टाइम आएगा जब आपको खुद को लगेगा कि हाँ दिस इज़ द राइट टाइम, अभी मैं रिजल्ट दे सकता हूँ, दे सकती हूँ, एंड मिस तब आप खुद को कोच बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो गाइस, यही था, मैं किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहता हूँ या किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप और नॉलेज और इस फील्ड को एक्सप्लोर करें।
ओके, एंड फिर आप जो है लोगों की मदद करें। आधा अधूरा नॉलेज से आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, इनफैक्ट हो सकता है कि कुछ नुकसान हो। एंड ऐसे लोग जो है ज़्यादा दिन फील्ड में सर्वाइव नहीं करते हैं। एक क्लाइंट दो क्लाइंट मिले ठीक है, बट बाद में रिजल्ट नहीं आता है तो एक नेगेटिव मार्केटिंग फैल जाती है। मीन्स लोग अपनी बुराई करने लगते हैं कि पैसे लिए रिजल्ट नहीं आए, एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक एवरीवन हैप्पी। सो गाइस समझिएगा इस फील्ड को, टेक सम टाइम एंड देन यू डिसाइड यू आर अ कोच और यू आर नॉट अ कोच। सो गाइस दैट्स इट, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्रेस द लाइक बटन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड यस डू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज अगर आप मेरे सारे वीडियोस अच्छे से देखेंगे तो आप खुद बन सकते हैं एक फिटनेस एक्सपर्ट। सो गाइस डॉक्टर निखिल तारी साइनिंग आउट, योर हेल्थ इज माई प्रायोरिटी, टिल देन बाय।